दोस्तों लोग कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास चार डिजिटल मल्टीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का दो अच्छा है, ये हम लोग का दो खराब है। तो इसको आज रिपेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको रिपेयर करके दिखाएंगे आपको, रिपेयर होता है ना नहीं होता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको, तो बैटरी है नहीं, तो मैं इस जगह पर बैटरी से निकाल लेता हूँ इसको। ये हम लोग का सही है, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ आपको। ये ख़राब था तो मैंने इसको रिपेयर भी किए हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का 3.3 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो ये हम लोग का शो कर रहा है आपको, तो ये हम लोग का सही है। तो इसको निकालते हैं और इसको भी खोलते हैं इस सेट। तो इसको रखते हैं सेट पे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब, देखिए दोस्तों, इसको अब एक एक करके रिपेयर करेंगे। तो एक ही रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कौन सा है। तो एक हम लोग का इस पे डिस्प्ले पे लाइट नहीं आता और एक पे लाइट आता, तो ये हम लोग का रीडिंग सो उल्टा उल्टा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए जो जो है वही रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले बैटरी लगाते हैं इस पे। तो इस पे देखिए दोस्तों, हम लोग का कोई भी डिस्प्ले पे लाइट ऐसे आ रहा है, फिर से चला जा रहा है, देखिए देखिए, ठीक है। मतलब ये हम लोग का ख़राब हो चुका है। तो इसको रिपेयर नहीं करेंगे, इसको तो इसको रखते हैं साइड पे सबसे पहले, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, तो देखिए तो इसको सबसे पहले लेते हैं इस पे सप्लाई। देखिए लगा दिया बैटरी। तो ये देखिए दोस्तों, इस पे तो हम लोग का सही दिखाई दे रहा है, किंतु इस पे बैटरी की कमी है। तो ठीक, कोई भी बात नहीं, ठीक है। तो इस पे देखिए, तो अब इस पे मैं चेक कर रहा हूँ आपको, इस पे है नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए। तो मैं बैटरी चेक कर रहा हूँ आपको, देखिए, ठीक है। तो देखिए इस पे देखिए उल्टा उल्टा रीडिंग आ रहा है हाथ देने से, देखिए चला गया, कोई भी रीडिंग अब शो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए डिस्प्ले ऐसे ही हम लोग का दिक्कत बन रहा है, ओवर वोल्टेज बन जा रहा है इस पर, ठीक है दोस्तों। तो इसको रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो इस पर फॉल्ट क्या है, देखिए इसे तो फॉल्ट तो मैंने दिखाई तो नहीं दे रहा। तो एक एक रेजिस्टेंस चेक करेंगे, डायोड भी चेक करेंगे, ठीक है। ये डायोड वाला रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यदि खराब यदि निकले तो आप इसको रिप्लेस कर दें, और यदि ख़राब नहीं तो ये हम लोग का रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का क्यों, तो वो भी मैं पहले मैं चेक कर रहा हूँ, तो आपको तब जाके मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं वोल्टेज बैटरी को। और देखिए पास में है मेरे पास मल्टीमीटर, इसको बजट रेंज पे कर ले, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं इस जगह पे मैं चेक कर रहा था आपको, ठीक है। देखिए एक एक करके कोई भी रीडिंग नहीं है, तो शॉर्टिंग टर्टिंग है क्या, बीप का साउंड आना चाहिए ऐसा, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई भी नहीं, इसमें कोई भी नहीं, यदि बीप का साउंड आए तो आपको सोच लेना ओवर रेजिस्टेंस रख के बहुत सारे शॉर्टिंग है, ठीक है। इजी के वजह से देखिए कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तीन जी की कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, इससे भी मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा मैंने, ठीक है। तो ये तो मैं वैल्यू पहले पहले बताया, ठीक है। तो इस वालों का
देखिए मतलब मैंने बजट रेंज पे क्यों किया दोस्तों, ये कोई भी यदि शॉर्टिंग रहेगा ना कोई कोई रेजिस्टेंस, ये हम लोग का वैल्यू, ये हम लोग का बीप का साउंड दिखाएगा, इसलिए मैंने इसको किया है। ठीक है, अभी इस पे तो ओम्स पे तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए है, कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई भी नहीं इसमें भी। ठीक है, तो देखिए तो जो ए वाला जो है ना, ये हम लोग का बीप का साउंड आता है, जो देखिए इस जगह पर जो बीप का साउंड आ रहा है ना, इसी में से आता है बीप का साउंड। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड जो कंपोनेंट है चेक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बचा ये सेट कंपोनेंट, तो इस साइड भी कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। चलिए इसको पहले निकाल देते हैं। ये नहीं, कोई भी नहीं। ये जगह डायोड देखते हैं, डायोड एक साइड वैल्यू आएगा, एक साइड वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ ही नहीं आ रहा, फिर से देखते हैं, नहीं सॉरी आ रहा है, एक साइड आ रहा है, एक साइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो भी सही है, ये भी, ये भी ठीक है, सही है। अब बचा इस जगह पे, हाँ देखिए अब हुआ दोस्तों, इस जगह पे बीप का साउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है ना, तो इस जगह पे हम लोग इस जगह पे कितना ओम का रेजिस्टेंस है, अच्छा सा दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छा सा। ठीक है, क्लियर। ये छोटा वाला आईसी, आईसी बोलते रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का शॉर्टिंग दिखा रहा है, देखिए फिर से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग का ये जो मल्टीमीटर है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा अब। चलिए ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसको कर लेते हैं साफ अब, ये हो गया साफ दोस्तों। आप देखते हैं इस जगह पर रेजिस्टेंस को चेक करके, तो देखिए हम लोग का रेजिस्टेंस शॉर्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो जो ये जो था जो डेट फारा हुआ, तो ये रेजिस्टेंस को मैं निकाल के और इस पे लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी रेजिस्टेंस चेक कर लेते कितना ओम्स का है ये, तो ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा, मतलब देखते हैं और था जो अच्छा वाला है तो देखते हैं ये भी क्या शॉर्टिंग है क्या। तो ये तो हम लोग का अच्छा वाला है, देखते हैं, नहीं ये हम लोग का अच्छा वाला, तो ये इस पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, नहीं सॉरी इस पर भी दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये हम लोग का रेजिस्टेंस तो नहीं है, कि ये हम लोग का फ्यूज तरह काम कर रहा है, इसलिए शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो रेजिस्टेंस ये सही है। ठीक है,
कोई बात नहीं, ये तो हम लोग का नहीं हुआ, ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये मल्टीमीटर तो अच्छा है, इस पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो आपको मान लीजिए चलिए ये हम लोग का शॉर्टिंग है, इस पे लगेगा, तो मतलब ये हम लोग का फ्यूज की तरह काम कर रहा है इस पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस किधर गया? कोई बात नहीं, तो देखिए ये हम लोग का जो रेजिस्टेंस था ना इस जगह पर, तो किधर है वो चला गया। ठीक है, खो गया, ऐसे करके मैंने चेक करने गए, तो ऐसे करके दबा के किधर जा गया दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो मैं दूसरा जो है ना, तो उससे मैं रेजिस्टेंस निकल के इस जगह पे लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वो भी काम कर लेते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, ये हम लोग का सेम सेम कंपनी का है, आपको थोड़ा ध्यान पे उड़ जा रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया तो तो आपको थोड़ा जूम करवाते हैं, मैं दिखाई नहीं की कोशिश करूँगा। तो देखिए जैसे मैंने इसको लगा लिया है, ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप तो मैंने चेक कर लिए हैं, तो इस पे देखते हैं ये भी खराब है क्या। ये एक से मालूम नहीं पड़े तो मैं अच्छा जो मल्टीमीटर है उससे आप चेक कर सकते हो, तो वो क्या बीप का साउंड दे रहा है। ठीक है, तो ईसीबी पे दे रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर अच्छा है हम लोग का। तो इस पे भी दे रहा है। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड पर, मतलब आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये हम लोग का अब रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब क्यों दोस्तों, तो चलिए मतलब ये हम लोग का आईसी से फॉल्ट आ गया है, तो आईसी तो हम लोग का, ये हम लोग का देखने को कैसे देखने को मिलेगा, ये देखिए आईसी हम लोग का अच्छा नहीं है, बेकार आईसी है, खराब हो जाने पर ये रिपेयर नहीं होता है मल्टीमीटर। ठीक है, देखिए कोई सा भी देखते हैं फिर से लगा कि ये हम लोग का रिपेयर हुआ। मैंने तो सभी कंपोनेंट चेक किए किंतु हम लोग का कोई सा भी खराब देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो
अब तो हम लोग का इस जगह पर रीडिंग है सेव नहीं कर रहा अब। रीडिंग शो कर रहा कहीं ना हम लोग का चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब रिपेयर हो नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा, तो चलिए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ई आई सी जो है रुकिए, मैं चिमटी लेता हूँ, चिमटी की मदद से आपको समझाता हूँ। देखिए ई आई सी जो है ये हम लोग का उठेगा इस जगह पे, रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि रिप्लेस होता तो ही हम लोग को मल्टीमीटर अच्छा बन जाता। ये हम लोग का जो कोई सा भी आई सी हो, ये वे आई सी तो है ना, ये मान के चले एक मैं एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब जैसे ये हम लोग का जो ऑडियो जो स्पीकर जो दिया कार्ड, तो ये हम लोग का ऑडियो सेक्शन का जो है ना, ऑडियो सेक्शन का जो ऑडियो हम लोग का आउटपुट करता है। तो ऐसे यदि आई सी रहता तो इस जगह पे तो ये हम लोग का रिप्लेस हो पाता। ठीक है दोस्तों, किंतु ये हम लोग का आई सी तो हम लोग का देखिए कैसा हम लोग का पिघला हुआ, जो देखिए ये हम लोग का रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब कैसा लगता देखने को मिलिए, जो रास्ता बनाते हैं जो वही जो पीच कला जैसा करके रहता है ना, टेबलेट का ऐसा होता है, देखिए वही है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऐसे रहता तो ये रिपेयर हो जाता आसानी से। ठीक है, तो ये रिपेयर अब हो नहीं पाएगा। तो आप हो ये कोई भी काम का नई चीज़ है। ठीक है, देखिए इस चीज़ की उंगली टच करने पर वैल्यू आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।